प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। अंबाला और चंडीगढ़ में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ की बैठक। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी हुए शामिल। और कुरुक्षेत्र में मध्वाचार्य मठ उडुपी और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कोटि गीता लेखन अभियान के अंतर्गत सेमिनार किया गया आयोजित। विश्व के अनेकों देशों से लोग हुए शामिल। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेले देश भर में 43 स्थानों पर आयोजित किए गए। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में ही नौकरियों के नए मौके बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए आगे आ रहे हैं। नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आज के दिन पारदर्शिता अपनाई जा रही है और इन प्रक्रियाओं को बहुत जल्द पूरा किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। आज भारत सरकार की पहचान उनके निर्णायक फैसलों से होती है। भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था, और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो दो दो पांच पांच साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकलकर अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। अंबाला के किंगफिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 152 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन अभ्यर्थियों का चयन रेलवे, भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग, डाक विभाग और अन्य विभागों के लिए हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, वे हमारे संगठनों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हमारे देश को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया में युवाओं की अहम भूमिका है। पिछले 9 वर्षों के दौरान जनधन योजना और मुद्रा योजना का लाखों लोगों को फायदा मिला है। सरकार से 1352 नियुक्ति पत्र दिए जा रहे और कुल अब 1352 बैंक का केवल, और आज 70,000 से भी ज़्यादा 70,000 नौकरियाँ दी गई है, नियुक्ति पत्र दी गई है। उन युवाओं का भविष्य जो सचमुच में कहा जाए कि जो नौकरी के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से अपने परिवार को और संपूर्ण भारत के अंदर जो मेक इन इंडिया से लेकर के
और स्टार्टअप इंडिया तक, हम कह सकते हैं कि इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। चयनित अभ्यर्थियों ने खुशी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की पारदर्शी व जन कल्याणकारी नीतियों के तहत उन्हें यह नौकरी मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत सरकार का एक बेहतरीन कदम है। ये नियुक्ति पत्र मिला है, मैंने बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्क ज्वाइन कर रही हूँ, उसका मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है। मेरे घर पे सभी लोग बहुत खुश है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस लाइफ पर हूँ कि एक नई अच्छी उपलब्धि मुझे प्राप्त। काफी टाइम में ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है और उन्होंने काफ़ी कुछ युवाओं के साथ भी जुड़े हैं, वो सभी बड़े लोगों के साथ भी जुड़े हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने शायद हर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए देश को प्रोत्साहन भी दिया है और आगे बढ़ाया भी है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उज्ज्वल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी वही रहें हमारे प्राइम मिनिस्टर। मेरे पिताजी फार्मर हैं, वो बहुत ही गरीब हैं, इसलिए उनकी वो मेरी नौकरी सरकारी नौकरी की वजह से बहुत खुश हुई है। उधर चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित स्नातकोत्तर कन्ना महाविद्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 25 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नए चयनित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, ग्रुप सी और डी के लिए साक्षात्कार को खत्म कर युवाओं की राह आसान की गई है। ये सब नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से दी गई है। एक जो परिवर्तन सरकारी नौकरियों में नौजवानों के प्रवेश में आया है, पहले भाई भतीजावाद, अभी भी कई प्रदेशों में आपने देखा है जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पारिवारिक पार्टियां योग्यता को दमकदार करके भाई भतीजावाद के अंतर्गत नौकरियों को की बंदर बांट कर रही है। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखेंगे देश की सी और डी ग्रुप की नौकरियों में जो साक्षात्कार था उसको भी समाप्त कर दिया गया और एक निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंट आधार पर देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल रहा है। चयनित अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि वे देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देंगे और अपना कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करेंगे। नियुक्ति पीजेई पे जेई के पद पर हुई है और आज मैं ये नियुक्ति पत्र श्री कृष्ण पाल मंत्री जी से पाकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की ले जाने के लिए अपने आप का पूरा योगदान दूंगा और देश की प्रगति होने में अपना पूरा योगदान दूंगा। मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में इस साल असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ली है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकूँ। तो मैं मंत्री जी जो यहाँ पर उपस्थित थे और केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में आयोजित पीएम रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग 24 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के अमृत काल में युवाओं को अमृत लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देना है और देश को एक बार विश्व गुरु बनाना है। ऐसे में देश की युवा शक्ति भारत को अगले 25 साल में विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक वर्ग देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश की तरफ से इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में बाढ़ और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने व भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपये से अधिक देगी।
राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि 7 सबसे अधिक जनसंख्या वाले मेट्रो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को घटाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 825 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लगभग 5,000 करोड़ रुपया राज्यों को मदद करने का फैसला किया है। इसकी डिटेल योजना बनाकर आप लोगों के सामने भेज दी जाएगी। शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। उसकी भी डिटेल कार्य योजना आप लोगों को भेजी जाएगी। और भूस्खलन शमन के लिए 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 825 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से भेजा जाएगा। कुरुक्षेत्र के कलाकीर्ति भवन में कोटि गीता लेखन अभियान के अंतर्गत एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस समागम में भारतीय मूल के लगभग 125 भक्त विश्व के अनेक देशों से शामिल हुए। इसका आयोजन माध्वाचार्य मठ उडुपी और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान पुटिगे मठ के स्वामी सुगुणेंद्र तीर्थ ने कहा कि पूरे विश्व में गीता एकमात्र ग्रंथ है जो सभी शास्त्रों का सार है। गीता मात्र एक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि यह धर्म और आध्यात्म समझाने वाला महाकाव्य है। गीता जैसी पवित्र पुस्तक हर घर में विराजमान रहे, इसी उद्देश्य के साथ यह अभियान आरंभ किया गया है। घर घर गीता और ग्रहम ग्रहम भगवत गीता, सो सुगीता सुगीता कर्तव्य इन एवरी हाउस, गीता शुड बी हैव देयर एंड एवरी वन शुड गो थ्रू गीता सो दैट ही विल बी ब्लेस्ड एंड ही विल बी गेटिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवत गीता। सेमिनार में आए विदेशी मेहमानों ने कहा कि गीता का जन्म स्थल पर आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौके पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, विद्या भारती के निदेशक डॉक्टर रामेंद्र सिंह और हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अब्रॉड से बहुत से विदेशों से यहाँ पर आज श्रद्धालु इस प्रकार से आए हुए थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत अच्छा समागम जो है यहाँ पर हुआ और गीता का सार जो यहाँ पर पूज्य महाराज जी के द्वारा बताया गया वो सार गर्भित जो है वो और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पे वो आधारित है, उस पर चल कर जो है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो ये सार है गीता का, उस पर चल के सारे अपने जीवन को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता जैसे पावन ग्रंथ के स्वाध्याय का एक बहुत ही सरल और सशक्त माध्यम है। श्रीमद् भगवद गीता समाजव्यापी बने, विश्वव्यापी बने और इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका पाठन करे, इसको आत्मसात करे और उसके अनुसार आचरण करे तो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी चरितार्थ होगी और भारत विश्वगुरु के पद पर पुनः शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिष्ठित होगा। सरकार ने कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया की ऐसी खबरें निराधार और शरारतपूर्ण हैं। मंत्रालय के अनुसार कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें डेटा की निजता बनाए रखने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए पोर्टल में वेब एप्लीकेशन, फायरवॉल, एंटी DDoS, SSL और TLS जैसे एप्लीकेशन लगाए गए हैं जो पोर्टल को साइबर हमलों से बचाता है। इसके अलावा पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा उपयोगकर्ताओं की पहचान और पहुंच के लिए किए गए प्रबंध की नियमित समीक्षा भी की जाती है। कोविन पोर्टल तैयार करने वाली टीम ने कहा है कि बिना OTP के पोर्टल से कोई डेटा हासिल नहीं किया जा सकता। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT को इस पूरे मामले की पड़ताल करने और इसकी रिपोर्ट देने को कहा है।
दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। जम्मू कश्मीर स्थित डोडा इस भूकंप का एपिसेंटर था और लगभग 6 किलोमीटर तक इसकी गहराई थी। पाकिस्तान में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे जान माल का नुकसान होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।